तो आप इसको कैसे मानते हैं, ये ब्लंडर है या मास्टर स्ट्रोक है कांग्रेस का? मैं ना उसे मास्टर स्ट्रोक कहूंगा और ना ही ब्लंडर कहूंगा। इस तरह से निमंत्रण बांटे गए, आपको लगता है कि ये भी एक पॉलिटिकल इवेंट बना दिया गया है? देखिए, दोनों तरफ से ये पॉलिटिकल बना। आपको क्या लगता है कि जिस ये टाइमिंग है इसका कितना फायदा बीजेपी को चुनाव में मिल सकता है? बीजेपी ने अपनी जो वोट बैंक है उसे और भी मजबूत किया है। बीजेपी ने हमेशा इसका प्रचार किया है और इसी वजह से मुझे लगता है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा इसका फायदा। क्या आपको लगता है कि जो विरोध हुआ, चाहे वो शंकराचार्य की तरफ से हुआ, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से हुआ, वो भी एक तरह से बीजेपी को फायदा ही पहुंचाते हैं? शंकराचार्य को छोड़िए, ये मुद्दा जो है लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ। नमस्कार, मैं हूं पीयूष पांडे और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। चचा गालिब ने बरसों पहले एक शेर कहा था, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। बाजी चाहे अतफाल मतलब बच्चों के खेलने का मैदान। अब उन्होंने ये शेर क्यों कहा ये वो जाने, लेकिन वो आज होते तो भारत की सियासत को देखकर भी कुछ ऐसा ही कहते। यहाँ रोज खूब तमाशा हो रहा है, लेकिन इन तमाशों में कभी गहरे अर्थ होते हैं, कभी कुछ तमाशे होते फिजूल हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि इनमें बहुत गहरे अर्थ हैं। तो सियासत के मैदान की तमाम धमाचौकड़ियों को डिकोड करने के लिए हर हफ्ते हमारे साथ होंगे खास मेहमान राजदीप सरदेसाई, खास सेगमेंट इलेक्शन विलेक्शन में। सर, मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि राजनीति में दो शब्द बहुत चलते हैं, मास्टर स्ट्रोक और ब्लंडर। तो कांग्रेस ने जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने का न्योता ठुकराया है, तो आप इसको कैसे मानते हैं, ये ब्लंडर है या मास्टर स्ट्रोक है कांग्रेस का? देखिए, मुझे लगता है आज की परिस्थिति में मैं ना उसे मास्टर स्ट्रोक कहूंगा और ना ही ब्लंडर कहूंगा। मैं कहूंगा कि कांग्रेस ने अगर न्योता ठुकराना भी था तो वो एक ऐसी तरह करती ताकि वो ये दिखा पाती कि हाँ, हम वहाँ नहीं जा रहे क्योंकि हमको लगता है ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है। लेकिन उसके साथ साथ जो राम, भगवान राम में लोगों की आस्था है, उसको भी नजरअंदाज न करती। प्रॉब्लम क्या हुआ है? ब्लंडर नहीं कह रहा, लेकिन जरूर मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस की शब्दावली में गलती हुई है। आप जब न्योता ठुकराते हैं, आप अगर थोड़े गुस्से में ठुकराते हैं तो लोगों को नाराजगी होती है, फिर लोगों को लगता है आप मोदी जी को बॉयकॉट कर रहे हैं, आप मोदी जी के साथ किसी कार्यक्रम में नहीं शामिल होना चाहते, फिर वो पार्लियामेंट का उद्घाटन हो या प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो। आज आप देखिए शरद पवार ने कहा कि मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने लिखा है कि हाँ, मैं जरूर जाऊंगा, मैं जाना चाहता हूं, लेकिन क्योंकि उस दिन बड़ी भीड़ होगी मैं किसी और दिन जाऊंगा, बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह से आपने न्योता दिया है, एक तरीका होता है। और मुझे लगता है वहां कांग्रेस ने गलती की है। मैंने ब्लंडर शब्द इसलिए नहीं यूज किया है क्योंकि मुझे नहीं लगता कांग्रेस को ज्यादा फायदा भी मिलता अगर वो जाते। न जाने से जरूर थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर कोई पॉलिटिकल हिंदू है तो वो समझेगा यार ये कांग्रेस पार्टी जो है ये हिंदू एंटी हिंदू बन गई है। ये बीजेपी ने बड़ी चतुराई से एक तरह से कांग्रेस को एक कटघरे में खड़ा किया है, और न जाने से शायद बीजेपी को और मौका मिलेगा कांग्रेस को कटघरे में रखने। तो मैं ब्लंडर नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने तरीका जो अपनाया वो गलती थी, एक गलती थी। जो तरीके की आपने बात की सर, तो उसमें क्या एक तरीका ये हो सकता था कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो ये कहते हैं कि हम लोग राहुल गांधी की न्याय यात्रा है उसमें बिजी रहेंगे और हमारा एक प्रतिनिधि, हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाएगा 22 तारीख को, उसके बाद हम लोग राम तो सबके हैं और हम अयोध्या जाएंगे। हाँ नहीं, ये बिल्कुल कहना चाहिए था एक कि हम जरूर जाएंगे, कि हम जाने वाले हैं, हमारा कार्यक्रम होने वाला है, हम भी राम में आस्था रखते हैं। और साथ साथ जैसे आपने कहा, आप देखिए निर्मल खत्री जो है, बिल्कुल, जो पुराने फैजाबाद अयोध्या के कांग्रेस के एमपी रहे, वो कह रहे हैं मैं जाऊंगा और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं। अब कांग्रेस का कहना है हमने किसी को रोका नहीं है। अगर उस न्योते के साथ साथ जब जवाब दे रहे थे, कह रहे थे देखिए सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और अधीर रंजन चौधरी जी तब जाएंगे, हम एक कार्यक्रम वहां आयोजित करेंगे तब, लेकिन हम जानते हैं ये एक बड़ा दिन है, हम हमारे एक नुमाइंदे को भेज रहे हैं, तब आप
एक तरह से कह भी सकते थे कि देखिए हम आए हैं वहां, लेकिन क्योंकि ये कार्यक्रम राजनीतिक है इसलिए हम वहां हमारे बड़े नेताओं को नहीं भेज रहे, क्योंकि हम चाहते हैं वो एक ऐसे कार्यक्रम में हो जहां सबकी निगाहें केवल मोदी जी पर नहीं हो लेकिन पूरे विपक्ष पर हो। तो दोनों हो सकता था, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने मौका चूक दिया, इसलिए मैंने ब्लंडर वर्ड से, ब्लंडर का मतलब बहुत बड़ी गलती, देखिए कांग्रेस ने बहुत इससे भी बड़ी गलतियां की है राम मंदिर के मुद्दे को लेकर। लेकिन मैं और ये भी कह सकते थे कि देखिए ये तो राम मंदिर का जो मुद्दा है ये तो राजीव गांधी के टाइम पे ताला खुला शिलान्यास हुआ, राम राज्य की बात हुई, रामायण सीरियल हमारे टाइम में दूरदर्शन पर शुरू हुआ, हमने 1989 का कैंपेन अयोध्या से शुरू हुआ, ये आप सब कह सकते थे, आप क्रेडिट भी ले सकते थे। देखिए कांग्रेस हिचकिचाती है आजकल, सेक्युलरिज्म जो वर्ड है कांग्रेस ये नहीं जानती कि किस लेवल तक हम इस शब्द को लेकर हमारी राजनीति कर सकते हैं। अब आप देखिए ममता बनर्जी ने क्या किया, ममता बनर्जी ने साफ कहा सर्वधर्म समभाव, मैं जाऊंगी काली मंदिर में वहां पूजा करूंगी और सभी धर्मों के लोगों के साथ एक रैली करूंगी और बाद में मैं अयोध्या भी जाऊंगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने लोगों के सामने जब आप एंटी रिलीजन नजर आते हैं, आपका सेक्युलरिज्म, कांग्रेस के सेक्युलरिज्म का प्रॉब्लम क्या हुआ है कि उसे इतिहास ने एक ऐसे पड़ाव पर लाया है कि लोगों को लगता है ये एंटी हिंदू और प्रो मुस्लिम बन गया है, और ये मुझे लगता है कांग्रेस की कमजोरी है। एक तरह कांग्रेस डरती है कि कहीं ना कहीं हम फंस गए हैं, या तो हमें प्रो मुस्लिम कहा जाता है या एंटी हिंदू। हालांकि कांग्रेस ये साफ कह सकती थी कि ये मुद्दा हमारे टाइम पे, राजीव गांधी के टाइम पे हमने इसे आगे लिया था, क्रेडिट भी ले सकती थी और साथ साथ ये भी कह सकती थी फिर कि ये जो कार्यक्रम जो है 22 का ये राजनीतिक है। आपने ब्लंडर शब्द यूज करने से तो इनकार कर दिया सर, लेकिन गलती मैंने यूज कर, गलती आपने कर दी, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो आपने कहा भी कि कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा कि वो किस तरफ खड़ी हुई है। अब आज शायद सुधांशु त्रिवेदी ने कहीं कहा कि राहुल गांधी चुनावी हिंदू है, क्योंकि वो कंफ्यूजन की स्थिति है, उनको बीजेपी को ये कहने का मौका मिल जाता है क्योंकि आप ऐसी ऐसे बयान देते हैं, ऐसी टिप्पणियां करते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं कि आप उसको इजीली डील नहीं कर पाते, और ये कांग्रेस समझ ही नहीं पा रही है कि उसको करना क्या है। देखिए 2014 और 19 के बीच में राहुल गांधी कहीं ना कहीं लगा कि चुनावी हिंदू है, विशेषतर जब गुजरात के 2017 के चुनाव हुए, तब ये रणदीप सिंह सुरजेवाला से ये बात हुई कि उन्होंने कहा कि राहुल जी जो है वो जन्यूधारी हिंदू है, उनका गोत्र भी बताया, और वो मंदिर, एक मंदिर से दूसरे मंदिर जा रहे थे, तो कहीं ना शिव भक्त भी हैं, तो कहीं ना कहीं उस समय ऐसा लगा कि कांग्रेस ये कहना चाहती है देखिए आप हमें एंटी हिंदू कहते हैं, नहीं नहीं हम आपसे भी अच्छे हिंदू हैं। 2019 के बाद मैं राहुल गांधी को क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने साफ कहा है कि मेरी लड़ाई, वैचारिक लड़ाई आरएसएस बीजेपी से, वो हिंदू, वो आप क्या कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूं आप हिंदुत्व हैं, और हिंदुत्व और हिंदू के बीच में वो एक तरह से डिवाइड दिखाना चाहते हैं कि आप राजनीतिकरण कर रहे हैं धर्म का, मैं धार्मिक हूं लेकिन मैं राजनीतिकरण नहीं करूंगा। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी कहने से ठीक है, लेकिन आप ही की पार्टी मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी सरकार में आते हैं या सरकार के बाहर पोस्टर छपवा देते हैं कि ये कहते हैं कि मैं हनुमान भक्त हूँ, मैं सबसे बड़ा हनुमान स्टैचू बनाऊंगा, बागेल जी भी कहते हैं कि मैं राम जी की यात्रा निकालूंगा, तो केवल राहुल गांधी नहीं कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा कि आपकी कंसिस्टेंट पॉलिसी क्या। देखिए बीजेपी इस मुद्दे को क्यों भुना पाई है, क्योंकि बीजेपी की कंसिस्टेंट रणनीति रही है कि हम बिल्कुल पालमपुर रेजोल्यूशन 1989 से उन्होंने साफ कहा है कि हमें मंदिर वहीं बनाएंगे, यानी आज वो उसका पूरा क्रेडिट ले रही है क्योंकि उनका स्टैंड कंसिस्टेंट था। कांग्रेस का स्टैंड मुझे लगता है अगर आप कोर्ट में जाकर राम सेतु मुद्दे पर कहते हैं कि राम काल्पनिक है, और उसके बाद जब एक तरह से उसका विरोध होता है तब आप वो एफिडेविट पीछे ले लेते हैं, आप राजीव गांधी के टाइम पे राम राज्य की बात करते हैं, शिलान्यास की बात करते हैं, लेकिन जब आप ही की सरकार आती है तो आप हिचकिचाते हैं कि इस मुद्दे को कितना हम आगे ले जाएं। तो मुझे लगता है कांग्रेस की दुविधा रही है कि हम राम मंदिर के मुद्दे पर क्या करें। सर दुविधा का तो आपने जिक्र कर दिया, 1992 में हमने देखा जब आपने तो उसकी रिपोर्टिंग की, आपने तो ग्राउंड जीरो पे जाके सब काम किया,
वो आंदोलन गांव गांव तक फैला, शहर शहर तक फैला और उसका राजनीतिक फायदा बीजेपी को मिला, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब जब मंदिर बन गया, जो उनका बीजेपी का बड़ा एजेंडा था, मंदिर बन गया, अब तो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, चुनाव बिल्कुल 3 महीने बाद है, आपको क्या लगता है कि जिस ये टाइमिंग है इसका कितना फायदा बीजेपी को चुनाव में मिल सकता है? मुझे लगता है कि बीजेपी का जो कोर वोटर है, जो 18-20% कम से कम बीजेपी का हार्ड कोर वोटर है, जो पहले से 92 से बीजेपी को वोट करके आ रहा है, वो और भी ताकत से वोट करेगा। यानी बीजेपी ने अपनी जो वोट बैंक है उसे और भी मजबूत किया है। लेकिन बीजेपी अब 20% की पार्टी नहीं रही, 37% रही है और वो चाहती है कि हम 40% बने। जो नए वोटर्स बीजेपी के साथ जुड़े हैं वो केवल हिंदुत्व पर या राम मंदिर पर नहीं जुड़े, वो जुड़े हैं दो कारण, एक मोदी जी का नेतृत्व और दूसरा जो लाभार्थी वर्ग निकल कर आया जिन्हें सरकारी अलग अलग कार्यक्रम के बेनिफिट्स मिले। ये जो वर्ग है ये काफी बड़ा है। अमित शाह जी कहते हैं 20-25 करोड़ को हमने फायदा पहुंचाया, चलिए समझ लीजिए 15 करोड़ भी है, ये बहुत बड़ा वर्ग हो जाता है। आपको पिछली बार बीजेपी को मुझे लगता है 21 या 22 करोड़ वोट मिले थे, तो उसमें से अगर 15 करोड़ आप कह रहे हैं जिनको आपने फायदा पहुंचाया, यानी एक बड़ा वर्ग है जो बीजेपी से को वोट दे रहा है क्योंकि उन्हें मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास है और उन्हें लाभार्थी होने का एक तरह से गर्व है या उनको फायदा हुआ है, गर्व नहीं कहूंगा फायदा। जो हिंदू का गर्व महसूस करते हैं वो एक 20% का जो तबका है वो राम मंदिर का मुद्दा देखकर और जोर से मुझे लगता है बीजेपी को वोट करेगा। बीजेपी को जरूर इसका राजनीतिक फायदा हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, फायदा हो रहा है ये क्लियर है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो विरोध हुआ, चाहे वो शंकराचार्य की तरफ से हुआ, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से हुआ, वो भी एक तरह से बीजेपी को फायदा ही पहुंचाते हैं, क्योंकि या तो बीजेपी का मैकेनिज्म, बीजेपी का प्रचार तंत्र मजबूत है, बीजेपी उस पर कंसिस्टेंट है उस मुद्दे पर, और कहीं ना कहीं विरोध भी कई बार ऐसा लगता है कि सिर्फ विरोध के लिए हो रहा है, क्योंकि जो शंकराचार्य ने विरोध किया कि भाई मंदिर पूरा नहीं है तो बीजेपी वालों की तरफ से आ गया, और हम सब जानते भी हैं कि सोमनाथ का मंदिर 1965 तक बनता रहा चरणों में, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा 1951 में हो गई, और इस तरह के कई सारे मंदिर देश भर में जहां पर काम चलता रहता है। देखिए, एक तो शंकराचार्य खुद बटे हुए हैं, जो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य है उन पर आरोप लगता है, एक तो कोर्ट में उनका मामला चल रहा है, एक कहा जाता है वो कांग्रेस के करीबी है, पूरी शंकराचार्य पर भी बीच में इसी तरह से आरोप लगे हैं, वहीं कांग्रेसी श्रृंगेरी शंकराचार्य पर आरोप लगाएंगे, तो शंकराचार्य भी बटे हुए। शंकराचार्य को छोड़िए, ये मुद्दा जो है लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ। क्या है, एक बार नरसिम्हा राव ने कहा था ना कि मैं बीजेपी को हरा सकता हूं लेकिन राम को नहीं। ये जो जिस तरह से राम का मुद्दा जो एक तरह से भावनाओं से जुड़ा हुआ है, जब आप भावनात्मक मुद्दा लाते हैं तो फिर लोग ये नहीं देखेंगे कि आप स्टूडियो में एक शंकराचार्य ये कह रहा है, दूसरा लोग कह रहे हैं देखिए मुझे राम जी के में आस्था है, मोदी जी के समय में ये राम मंदिर आया। ये भी अगर विपक्ष कहे यार इसमें मोदी जी को क्यों क्रेडिट दे रहे, ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में हुआ है, फिर भी जनता जो है वो देखेगी नहीं नहीं मोदी जी इसके साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी ने हमेशा इसका प्रचार किया है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा इसका फायदा होगा। और कहीं ना कहीं शायद ये मोदी जी के रहने की वजह से मंदिर निर्माण इतनी तेजी से हुआ, हो सकता है दूसरी सरकारें होती तो इस गति से कार्यक्रम नहीं होता। बिल्कुल, देखिए एक तो साफ है कि इसकी जो टाइमिंग है, इसकी जो इसका जो कैलेंडर है, कैलेंडर ये तो पहले से तय था, ये तय था। देखिए आप कह रहे हैं कि सोमनाथ भी कई बार, सोमनाथ जब प्राण प्रतिष्ठा उसकी हुआ ऐसा नहीं था कि मंदिर पूरी तरह से तैयार था, लेकिन समय समय पर उसको करते गए। लेकिन इस बार डिसीजन की प्राण प्रतिष्ठा चुनाव के पहले होनी है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ ही लगभग तय हो गया। देखिए और नहीं और, और ये है कि ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप जनवरी 22 को करिए, आपने तय, ये कैलेंडर पॉलिटिकल है, इसमें इसमें दो कोई दो राय नहीं, और यहां कांग्रेस और बाकी विरोधी पक्ष बिल्कुल सही है कि ये पॉलिटिकल इवेंट है, यानी पॉलिटिकल कैलेंडर की तरह है, पॉलिटिकल इवेंट की जगह मैं कहूंगा पॉलिटिकल कैलेंडर है, और जरूर इसको एक इवेंट की तरह माना जा रहा है, वो भी चुनाव के पहले। वो उस पर आप उस पर कोई दो राय, लेकिन पब्लिक को इससे कोई देना देना नहीं, पब्लिक को क्या, जनवरी में हो जब भी मंदिर बन रहा है, बाद में हम जाएंगे दर्शन के लिए, कई लोग मुझे कह रहे हैं कि यार यहाँ बहुत भीड़ होगी, हम एक महीने बाद जाएंगे, लेकिन एक लगाव आ गया है, एक टॉकिंग पॉइंट होगी। बाकी जब हम बात कर रहे थे कुछ महीनों पहले बेरोजगारी की,
महंगाई की, वो सब छोड़ गए हैं लोग। अब लोग देख रहे हैं यार मंदिर वहीं बनेगा, मंदिर वहीं बन गया है। सर आपसे आखिरी सवाल कि एक तो ये कि आपको इनविटेशन मिला क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला। लेकिन देखिए ऐसा है कि मैं उन लोगों में हूँ कि मैं मंदिर जाने का जाता हूँ ना कहीं किसी भी धार्मिक स्थल पर, मैं वहां जाकर नमस्कार करता हूँ, लेकिन मैं कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं मैं है। मैं उस तरह का धर्म, मैं मुझे भगवान में विश्वास है, लेकिन मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ जिसे लगता है कि भगवान अपने एक पर्सनल मैटर है मेरे लिए, मेरा जो मेरी आस्था जो है मेरे पर्सनल मैटर है। मैं रात को हर दिन सोने के पहले प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मुझे मंदिर या मस्जिद या चर्च या गुरुद्वारा जाने की जरूरत नहीं है। मैं जब जाता हूँ वहाँ जरूर, मैं गुरुद्वारा जब गोल्डन टेम्पल गया था वहाँ मत्था टेका था, जब मैं अयोध्या गया था 2 साल पहले वहाँ भी जाकर मैंने नमन किया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि वाकई जो आपकी आस्था या आपका धर्म है वो आपका पर्सनल मैटर है, मुझे वो पब्लिक कोई फोटो ऑप के लिए नहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं अपने घर में करता हूँ प्रार्थना पूजा, गणेश की पूजा हर साल मेरे घर में करता। लेकिन जिस तरह से निमंत्रण बांटे गए हैं, आपको लगता है कि ये भी एक पॉलिटिकल इवेंट बना दिया गया है? और किस किस खास लोगों को दिए गए हैं, मतलब उसका कोई आधार नहीं है, वो जो मन है उस हिसाब से दिए जाए? देखिए दोनों तरफ से ये पॉलिटिकल बना है, जिस तरह से इनवाइट गए हैं विश्व हिंदू परिषद के एक्टिविस्ट, उनके लिए भी एक बड़ा मौका है दिखाने के लिए। हम जैकी श्रॉफ को मिलने गए हैं, माधुरी दीक्षित को मिलने गए हैं, अंबानी अडानी, ये वीवीआईपी कल्चर जो है वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ गया है। तो और इस बड़े इस वीवीआईपी कल्चर में जब प्रधानमंत्री पर फोकस होगा तो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल बन जाता है। दूसरी तरफ से क्योंकि कांग्रेस ने उसका इतना विरोध किया तो वो भी एक तरह से पॉलिटिकल बन गया, क्योंकि कांग्रेस के विरोध की वजह से एक पॉलिटिकल डिबेट छिड़ गई। यही जो आपने शुरुआत में क्वेश्चन किया था, यही तो गलती हो गई कि आप अगर चाहते तो इसको आप भी उसे पॉलिटिकल करने की क्या जरूरत है? बीजेपी तो करने ही वाली है, कांग्रेस ने भी उसे पॉलिटिकल कर दिया और कहीं ना कहीं आप बीजेपी के पिच पर खेल गए। तो बीजेपी के पिच पर कांग्रेस खेल गई, आम आदमी के लिए इससे कुछ लेना देना नहीं है कि उसको निमंत्रण मिला कि नहीं मिला, क्योंकि राम उसके आराध्य हैं, उसे अयोध्या जाना है, वो चाहे 22 जनवरी को जाए, 22 फरवरी को या अगले साल। राजदीप सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन विलेक्शन विद राजदीप सरदेसाई जो नया सेगमेंट हमने शुरू किया है, इसमें हर हफ्ते हम राजदीप सर के साथ जुड़ेंगे, उनसे जो पॉलिटिकल इवेंट हैं, जो तमाशा है राजनीतिक सियासत का, जो तमाशा है उसकी जो धमाचौकड़ी है उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। राजदीप सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़ते रहिए हर हफ्ते हमारे साथ। नमस्कार।